अस्सलामुअलैकुम, रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं अमजद अली। इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूं और NA-47 का हलका है। प्रेसाइडिंग ऑफिस के बिल्कुल सामने हम मौजूद हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े तादाद में पुलिस फोर्स की तैनात को यकीनी बनाया गया है ताकि किसी भी अनवांटेड इवेंट को अवॉइड किया जाए। और ये भी आप लोग को पता है कि आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम बिल्कुल क्लोज होंगी और कल 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तानी सिटीजन को वोट पोल करने के लिए ये सारे जो फैसिलिटेशंस हैं इसको यकीनी बनाया जा रहा है। और दूसरा ये भी मैं आप लोग को बताते जाऊं कि जो जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं NA-47 में, उन्हीं सारे पोलिंग स्टेशन के लिए जो जस्ट मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जो उन्हीं मटेरियल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, उसकी तरसील यहाँ से होंगी और मुख्तलिफ प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को उन्हीं मटेरियल्स जो बैलेट्स पेपर हैं या दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हवाला किया जा रहा होगा। अगर वो मुतलका पोलिंग स्टेशंस में उसकी तरसील जारी है और इसको यकीनी बनाया जा रहा है। दूसरा ये भी आप लोग को बताते जाऊँ कि सारी जो जितनी भी पोलिंग स्टेशन हैं पाकिस्तान में, मोर देन 90,000 पुलिंग स्टेशन विल फैसिलिटेटिंग दिस प्रोसेस, जिसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। जो हाई अलर्ट पुलिंग स्टेशन होंगी उसके लिए ज़्यादा पुलिस फोर्स की ज़रूरत होगी, जिसको यकीनी बनाया जा रहा है। और साथ साथ ये भी एक्सपेक्टेड है कि पाक आर्मी की दस्ते भी पहुँचे और जो जितने भी पुलिंग स्टेशन हैं वहाँ आर्म फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, वो उनकी तैनात को यकीनी बनाया जा रहा है।